नमस्कार, मैं संगीता यदुवंशी और मेरी कविता का शीर्षक है डाकिये की बिटिया। जो डाकिया हर किसी को चिट्ठी देता है, आज उसको चिट्ठी मिली और क्या था उस चिट्ठी में। माँ बाबा तुम रोए तो बहुत होंगे, माँ बाबा तुम रोए तो बहुत होंगे, जब ना दिखूं मैं ना मेरी हर पल लड़ने की आदत, जब कुछ ना कहूं मैं ना मेरी बेवजह जिद करने की आफत। कैसे मेरी गलती पर जब मैं खुद ही मुंह फुला लूं, तब भी मुझे खाना खाने को बुलाते थे। अरे प्यार ना था वो तुम्हारा, जानती हूँ, एक ही थाली में खाने की आदत हो गई थी जिसे तुम सबसे छुपाते थे। माँ तुझे तेरी आदत का तो पता है ना, कि एक पल भी तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं तो पूरे मोहल्ले में पूछा करती थी, बिटिया को देखा मेरी, आज 2 बरस हो गए न मिलने आई न सुध ली, लगता है वक्त के साथ आदतें भी बदल गई है तेरी। माँ तू कैसे मुझे थपकी दे के सुलाती थी, और बाबा भी सकुचाते साइकिल लेके जाते थे कि कहीं मेरी नींद ना टूट जाए। अब नींद नहीं आती इस चिंता में कि कहीं मुझसे पहले कोई और ना उठ जाए। अभी तो बस नाम लिखना ही सीख पाई थी, 2-4 किताबें और पढ़ा देते तो नाम का मतलब भी जान जाती। भूलो मत बाबा, कोक से बचाई थी, दहेज से भी बच जाती। गुड़िया वाले हाथों में बेलन थमा दिया, वक्त के साथ मुझे कितना बड़ा बना दिया। पतंग के साथ उड़ने के आजाद ख्याल तो बिस्तर की कराह में दब गए, किसका दोष किसको उलाना, वाह बाबा तुम तो मेरे बचपने को ही ठग गए। लोग कहते हैं बेटियां पराया धन होकर भी पराई नहीं होती, इसीलिए किसी बाप से बिटिया की हंसकर विदाई नहीं होती। अरे पराया धन सौंप तो दोगे, ये बता दो ये किसी और की कमाई नहीं होती। और बाबा तुम तो जानते हो ना, खुद की सांसें भी पराई नहीं होती। बस 13 साल की हूँ और बहुत थक गई हूँ, जो भी लिखना सीखा है शब्द बीन कर तुझे ही लिख रही हूँ। इसे पढ़ते वक्त अपना कलेजा पथरा लेना, इसके शब्द फिर भी कुछ कलेजा चीर कर कहेंगे, इतना दर्द है इस चिट्ठी में कि बाबा ये शब्द मेरे हैं पर आंसू तेरे बहेंगे। बाबा जय हो तुम्हारे समाज की, जय हो तुम्हारे समाज की इस रीतिवाद की, कि भारत का भविष्य अंधकार में फिर चला गया और वो लाल लुभावना जोड़ा फिर एक बिटिया की जान ले गया। माँ यहाँ कोई हाथों से नहीं खिलाता, कभी कभी भूखी सो जाती हूँ। माँ यहाँ कोई हाथों से नहीं खिलाता, कभी कभी भूखी सो जाती हूँ, अब बड़ी हो गई हूँ, उफ भी नहीं करती जब रोटियां बनाते पैर हथेलियां जलाती हूँ। जी में आया भाग जाऊं, जी में आया भाग जाऊं, लेकिन तेरा और बाबा का ख्याल करते न जाने क्यों ठिडक सी जाती हूँ। ये डाकिये की बिटिया भी ना उलझनों के शब्दों में गुथी चिट्ठी है बाबा, पाओ के तलों में जो पता जबरन कुरेदा है इसी घर का है, सोच के रुक जाती हूँ। माँ पल भर की देरी से उठो तो सास झल्ला के कहती है, आज तू सोई बहुत है, अब कैसे बताऊं उस नन्ही सी बिटिया को कि बाबा आज तेरी ये बिटिया रोई बहुत है। तुम्हारी उड़ान।